cart sound. Smart sound. एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। पिता के शव को ठेलिया से ले गया दिव्यांग बेटा और मासूम बेटी। स्वास्थ्य विभाग ने मामले से झाड़ा। पला जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आपकी रूह झकझोर कर रख देगी। आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर किस काम की है सिस्टम की ये दिखावटी चकाचौंध। क्या इस धरती पर गरीब होना इतना बड़ा पाप है कि उसे इसकी कीमत मरने के बाद भी चुकानी पड़ेगी? सरकारों का ये कैसा विकास है जहां एक तरफ तो अमीर लोगों की शव यात्रा निकालने के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा देते हैं और वहीं दूसरी तरफ एक लाचार परिवार अपने पिता के शव को कई किलोमीटर तक ठेलिया में ढोने को मजबूर है। हम आपको एक ऐसी ही तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो सरकारों के विकास के दावों के चीथड़े उड़ाने के लिए काफी हैं। मामला त्रिवेदी गणज CHC का है, जहां गरीबी और मुफलिसी की मार झेल रहे 50 साल के मनशाराम को मरने के बाद भी उसकी कीमत चुकानी पड़ी। मनशाराम का परिवार, जो इस उम्मीद में था कि उसे सरकार की किसी न किसी योजना का तो लाभ मिलेगा ही, जिससे वह कम से कम अपने पिता के मरने के बाद उसका शव वहां से ले जाकर अंतिम संस्कार कर सके, मगर अफसोस कि उसकी सारी उम्मीदों पर उस समय पानी फिर गया जब उसे अपने पिता के शव को ले जाने के लिए एक गाड़ी तक नसीब नहीं हुई। अच्छा, डॉक्टर से कहा था? जी, डॉक्टर ने कहा कहे बहुत विलम्ब हो गया। अच्छा, तो आप ठेलिए से लेके चले? कितना किलोमीटर लेके आए? सर, कम से कम 6-7 किलोमीटर। अच्छा, आप अंतिम संस्कार का ही नहीं कर रहे हैं? अब सर क्या बताएं, पैसे नहीं हमारे पास। अच्छा, तो किसी ने मदद नहीं की अभी तक प्रशासन से? कोई कोई नहीं, प्रशासन हमें सहायता कोई नहीं मिल रहा। कोई आया आपसे मिलने? नहीं सर, कोई नहीं मिला। कौन है आप? हम लड़के। परिवार के घंटों इस इंतजार में बीत गए कि शायद किसी को उनकी इस हालत पर तरस आ जाए और उनके पिता के शव को ले जाने के लिए कोई इंतजाम कर दे, लेकिन जब मदद के लिए किसी तरफ से कोई हाथ नहीं उठा तो मजबूरी में मृतक मनशाराम का शव उसके दिव्यांग लड़के राजकुमार और मासूम लड़की को ठेलिया से 8 किलोमीटर घसीट कर लोनी कटरा तक ले जाना पड़ा। दरअसल सोमवार को बीमार मनशाराम का लड़का और लड़की उसे इलाज के लिए ठेलिया पर लाद कर ही CHC त्रिवेदी गणज लेकर पहुंचे थे, जहां उसकी मौत हो गई थी। CHC के डॉक्टर बस इतना कहते रहे कि गांव के प्रधान को जानकारी दी गई है, वह मदद करेंगे, लेकिन कोई नहीं आया। स्वास्थ्य विभाग की संवेदनहीनता का आलम यह है कि कोई सरकारी और आर्थिक मदद ना होने के चलते अभी तक मनशाराम के शव का अंतिम संस्कार भी नहीं हो सका है। CHC के डॉक्टरों से जब इस बारे में बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए बहुत ही बेहुदा और गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया। CHC के डॉक्टर ये कहकर अपनी जान छुड़ाते रहे कि यहां से शव को वापस गांव भिजवाने की कोई व्यवस्था नहीं। वहीं इस पूरे मामले पर जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश चंद्र से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मृतक मनशाराम लंबे समय से काफी बीमार था। उसके या उसके परिवार की तरफ से कोई जानकारी न देने की वजह से उसे लेने 108 एम्बुलेंस उसके घर नहीं पहुंच सकी। अगर कोई जानकारी देता तो उसे जरूर एम्बुलेंस से CHC पहुँचाया जाता। वहीं शव को ले जाने के सवाल पर डॉक्टर रमेश चंद्र ने बताया कि जिला अस्पताल में केवल 2 शव वाहन उपलब्ध हैं। CHC में शव को ले जाने के लिए शव वाहन की कोई व्यवस्था नहीं होती। सबसे पहले तो वो व्यक्ति बीमार था, उसको अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस चाहिए होती, परंतु किसी ने 108 पे या किसी फोन नहीं किया जिससे कि एम्बुलेंस वहाँ पहुँच सके। सूचना होती तो 108 एम्बुलेंस जरूर पहुँचती पेशेंट को, मरीज को ले जाने के लिए। जहाँ तक मृत्यु के बाद 100 ले जाने की व्यवस्था है तो 100 एम्बुलेंस में नहीं ले जाए,
100 वाहन हमारे यहाँ केवल जिला अस्पताल में 200 वाहन मौजूद है, सीएससी स्तर पर 100 वाहन की उपलब्धता नहीं है और एम्बुलेंस 100 ले जा सकते नहीं। जैसे किसी एम्बुलेंस 100 ले जाया जाए फिर उसके बाद किसी खरीद पर जाना हो तो वो आना करेगा, इसलिए एम्बुलेंस 100 नहीं ले जाए, इसलिए 100 जाने में फिर भी अगर कहते तो वहाँ का अधीक्षक अपनी तरफ से अपने पास। मृतक के जो परिजन है, जो बेटा है, उसका कहना है कि डॉक्टर्स ने वहाँ पे इसकी सुध नहीं ली और काफ़ी देर तक वो इंतज़ार करता रहा और टाल मटरू रवैया अपनाया गया। जहाँ तक मुझे पता है वो वहाँ पहुँचते से पहले मृत था, मुझे सुना है अस्पताल में पहुँचने से पहले ही। लेकिन सीएचसी इंचार्ज वहां मौजूद होते तो जरूर मृतक मनशाराम के शव को अपने निजी खर्च पर घर उसके घर भिजवाते। बाराबंकी ठेले से शव ले जाने के मामला तूल पकड़ने के बाद बाराबंकी जिले के जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने मौके पर राजस्व विभाग की टीम भेजी। जिलाधिकारी ने पीड़ित परिवार को दी आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई। इसके अलावा जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की जांच के दिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। त्रिवेदी गणज सीएचसी से ठेलिया पर घसीट कर दिव्यांग लड़का और लड़की ले गए थे पिता का शव।